बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले आप सबको गुजरी हुई बहुत बहुत ईद मुबारक। माजरत के साथ के ईद का व्लॉग थोड़ा लेट अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ मैं ईद वाले दिन मेहंदी लगवा रही थी। चांद रात को तो मुझे इतना काम था कि मुझे मेहंदी लगवाने का टाइम ही नहीं मिला। तो आज दावत थी मेरी सिस्टर इन लॉ के घर, मैं तो मेहंदी लगवा रही थी। और ये देखिए, मैंने अपनी बेटी से कहा कि बच्चों के लिए ईद बास्केट तैयार करो। वो यहाँ बच्चों के लिए ईद बास्केट तैयार कर रही है। मैंने बच्चों के पसंद की तमाम चीज़ें यहाँ पर रखी, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ों का बहुत क्रेज़ होता है। ये देखें जी, बास्केट रेडी हो गई है। और सिस्टर के लिए लिए कुछ गिफ्ट। आपको पता है, गिफ्ट देने से मोहब्बत बढ़ती है, और ईद का दिन तो खुशियाँ बांटने का होता है। अल्लाह हम सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन। और ये है मेरा ईद का ड्रेस, और ये मैं हो गई हूँ रेडी। अब हम जा रहे हैं उनके घर, और रास्ते में हमने फिर उनके लिए ईद केक लिया। और यहाँ हम बैठे हुए हैं, सिस्टर ने जूस सर्व किया और हमने काफ़ी बातें की। बड़ा मज़ा आया और बहुत इंजॉय किया। यहाँ जी खाना सर्व हुआ, तो मैं ज़्यादा ना वीडियो बना नहीं सकी। जहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं ना होती, मैं वहाँ वीडियो ज़्यादा नहीं बनाती। पर हर खाना बहुत मज़े का था। बिरयानी, कोफ्ते, मटन, शामी, शीर हुरमा, माशाल्लाह बहुत अच्छा अरेंज किया हुआ था सिस्टर ने। अल्लाह उसे खुश आबाद रखे अपने घर में, आमीन सुमा आमीन। ये जी, खाने के बाद हमने आइसक्रीम खाई और सब बातों में मसरूफ थे, और हमारा अलहदा ही सीन चल रहा था। बहरहाल बहुत मज़ा आया और फिर हम घर आ गए। अगर आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।